हाथ से, पर जब वो परिंदा मुझ पे झपटा और उसने मुझे जमीन पे पटका तो बिच्छू ने मुझे चपेटे में ले लिया। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और अब हम ये खा रहे हैं। वो भी खुश, हम भी खुश। मुझे और खाना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मुझे और चाहिए। ओ, कोई संभालो ये। ये मुझे तो नहीं खाएंगी ना? तुम तो बहुत दुबले हो, अगर वो किसी को खाएंगी तो वो है। तुम्हारी मम्मा मेरे साथ क्या कर रही है? बेटे को बचाने के लिए माँ को मारो ना। तुम क्यों खिसक रहे हो? मुझे बस जोरों से भूख लगी है। तो तुम कीड़ा खा लेना, इतने सारे तो हैं। देखो, शिकार करने में तुम मदद कर सकती हो। सच्ची? मेरे लिए मत रुको, अब मैं नहीं बचूंगा, फिर मेरी कहानी बनेगी। नानी ने अपने ही नाती को खा लिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक जाल। इसे क्या होगा? ये होगा। तुम 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 तुम। तुम अकेले कब से रह रहे हो? तो अब हम साथ में क्या करें? तुम्हें नकल करनी आती है? तुम तो इसमें माहिर हो। तुम्हारा हाथ भी वो जो तुमने बिछा रखा था वो बेकार निकला। मैंने देखा। दीप कहाँ है? क्या लड़की है? दीप, तुम हट जाइए। लगता है ये लोग बचा कुचा भी नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब बचा कुचा? जब थोड़ा खाना रह जाता है उसे बचा कुचा कहते हैं। इतना मिलता ही नहीं कि बच सके। ग्रग, क्यों ना कहानी हो जाए? हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, एक कहानी हो जाए। क्यों? हाँ हो जाए, नेकी और पूछ पूछ। बहुत पहले की बात है कि एक नन्ही शेरनी अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहती थी। उस गुफा में रहने के कई नियम थे, लेकिन सबसे खास और सबसे आसान था रात को बाहर नहीं निकलना है। और गुफा का दरवाजा इतना भारी था कि इस नियम को कोई नहीं भूल सकता था। ये तो ये भी नहीं भूल सकता है ना? लेकिन रात को जब सब सो रहे थे वो बाहर चली गई। नहीं। हाँ, और उसके बाहर जाते ही उनकी गुफा तबाह हो गई और उनको एक अजीबोगरीब बंदे के साथ एक थकाऊ पकाऊ सफर पे निकलना पड़ा और सब मर गए। मजा आया? वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कहानी ऐसे खत्म होगी। मेरी कहानियों में ऐसा कुछ नहीं होता। वाह, एक कहानी के साथ दूसरी फ्री। ठीक है।
पर मेरी कहानी